नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ मनीष कुशवाहा। और दोस्तों, एक बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई है कि एमपी पटवारी में जो फर्जीवाड़ा हुआ था वो एमपी फॉरेस्ट गार्ड में होगा कि नहीं होगा, स्टूडेंट का ये कहना है। तो देखिए, इसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये कि जब एमपी पटवारी का जब उजागर हुआ, जो फर्जीवाड़ा था रिजल्ट आने का उजागर हुआ, उससे पहले एमपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हो चुका था। तो ये पॉसिबल है कि सर भी पटवारी में हुआ, फॉरेस्ट गार्ड में भी हो सकता है। ठीक है, पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि फॉरेस्ट गार्ड यदि उसमें ऐसा होता है तो बैक टू बैक दो भर्तियाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए अभी साप बन जाएंगी, एक श्राप बन जाएंगी और उनका सिलेक्शन मुश्किल हो पाए। तो मेरे काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं, मेरे काफ़ी अच्छे परिचित कॉन्टैक्ट वाले हैं, बेचारा उनका सिलेक्शन रुका हुआ है। मुझे लगता है कि उनका 145 नंबर पर सिलेक्शन होना चाहिए था, काफ़ी अच्छे नंबर थे पटवारी के एग्ज़ाम के हिसाब से, तो लेकिन उनका नहीं हो पाया। काफ़ी दुख होता है केवल फर्जीवाड़ा के चक्कर में। और एमपी फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ऐसे काफ़ी सुनवाई आ रही है, लेकिन कंफर्म जब होगा, जब उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसका 25 जुलाई के समथिंग उसका रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी, जब उसका रिजल्ट आएगा तो आपको मालूम चलेगा कि कितने स्टूडेंट ग्वालियर से टॉपर हैं। ग्वालियर से जो टॉपर स्टूडेंट यदि होंगे, खासकर NRI कॉलेज से, तो आप समझ सकते हो कि जो गोलमाल चल रहा है वो गोलमाल इसमें भी हुआ है। तो वेट करिए रिजल्ट का, रिजल्ट आएगा आपका 25 से 30 जुलाई के समथिंग, फिर देखते हैं कि क्या कंडीशन बनती है। तैयारी करते रहिए कॉन्स्टेबल की, मस्त रहिए, खुश रहिए और बने रहिए क्लास 20 चैनल के साथ, सुनील सर के साथ। गुड डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।